हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए कि हम अपने बच्चों से इंग्लिश में किस तरीके से बात करें। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप उन्हें अभी से ही इंग्लिश में बातें करना स्टार्ट करा सकते हैं विद अ शॉर्ट सेंटेंस। आप छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ करके उनसे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे बच्चे थोड़े हैबिचुअल हो जाएंगे। जब इन वर्ड्स को, इन सेंटेंस को बच्चे बार बार सुनेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि इन वर्ड्स का यूज़ हमें क्या करना है और हमें मम्मा या जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी उनसे बातें कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, तो आपका ज़्यादा टाइम, इसलिए मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेके आई हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है गुड मॉर्निंग, जिसका मतलब होता है सुबह की नमस्ते। ये वर्ड बच्चे यूज़ कर सकते हैं गुड मॉर्निंग, किसी को विश करने के लिए आप उन्हें यूज़ करवा सकते हैं और ये बच्चों की हैबिट में भी डाल सकते हैं। सेकेंड है हरिया, जल्दी करो, इसका मतलब होता है जल्दी करो। बच्चा कुछ भी काम कर रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं हरी अप, जल्दी करो। गेट अप, जब बच्चा सो के उठेगा तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं गेट अप, उठ जाओ। जैसे कि जब आप इसे रूटीन में लाएंगे तो बच्चे को जब भी आप गेट अप बोलेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा कि मम्मा क्या कहना चाह रही है। इसी तरह से ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अपना यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में और अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है राइट नाउ, अभी तुरंत। अगर आप कुछ करने के लिए कह रहे हैं और बच्चा मना कर रहा है तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं राइट नाउ, अभी तुरंत ये काम करो। नेक्स्ट है बी केयरफुल, ध्यान से। इस वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं बी केयरफुल का, कि कुछ ऐसा काम कर रहा है बच्चा जो थोड़ा हार्मफुल है तो आप उसे बोल सकते हैं बी केयरफुल, ध्यान से करें। नेक्स्ट वर्ड है नथिंग एज, कुछ नहीं। क्वेश्चन पूछते रहते हैं बच्चा मम्मा क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं नथिंग एज, नथिंग एज, कुछ नहीं। एनीथिंग एज, नेक्स्ट है एनीथिंग एज। बच्चा खाना खा रहा है तो चपाती ले रहा है, पानी पी रहा है, रोटी खा रहा है, सब्जी खा रहा है, तो आप पूछ सकते हो एनीथिंग एज, इसका मतलब होता है और कुछ, आपको और कुछ चाहिए तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक इट, टेक इट का मतलब होता है इसे लो। कुछ पकड़ा रहे हैं आप, पानी का गिलास या कुछ मिल्क पकड़ा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं टेक इट, इसे पकड़ो, इसे लो। लुक एट मी, मुझे देखो, ये यूज़ आप सेंटेंस का यूज़ आप स्टडी करते हुए करा सकते हैं कि जब बच्चा इधर उधर देख रहा है तो आप ऐसे कह सकते हैं लुक एट मी, मुझे देखो कि मैं क्या समझा रही हूँ। डोंट मूव, हिलो मत। इस सेंटेंस का यूज़ हम जब कर सकते हैं जब बच्चे कपड़े बनाते हैं तो बच्चे बहुत मूव करते हैं, बहुत मूवमेंट करते हैं, तो आप बोल सकते हो डोंट मूव, हिलो मत। लुक हेयर, इधर देखो, लुक हेयर, इधर देखो, इसका यूज़ हम कर सकते हैं कि इधर देखो आप कहाँ देख रहे हो। स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो। जब बच्चा टेढ़े मेढ़े खड़ा होता है या कुछ मूवमेंट कर रहा है तो आप बोल सकते हो स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो। नेक्स्ट है थ्रो इट, बच्चे कुछ ना कुछ उठाते रहते हैं, आलतू फालतू की चीज़ें उठाते रहते हैं तो उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं थ्रो इट, इसे फेंको, थ्रो इट, इसे फेंको। नेक्स्ट है बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी, खुश रहो। नेक्स्ट है लिसन टू मी, मुझे सुनो, लिसन टू मी, मुझे सुनो, कि मुझे सुनो मैं क्या कह रही हूँ, लिसन टू मी। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। जब बच्चा कुछ वर्ड लिख रहा है या कुछ स्टडी कर रहा है और वो मिस्टेक कर रहा है तो आप यूज़ कह सकते हो
कि ट्राई अगेन, इसे इरेज करो, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। नेक्स्ट है रिपीट इट, इसे दोहराओ, रिपीट इट। कुछ राइम कर रहे हैं या कुछ टेबल लर्न कर रहे हैं, काउंटिंग लर्न कर रहे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो रिपीट इट, इसे दोहराओ। नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। बच्चा कहीं जाने की जिद कर रहा है, कुछ मांग रहा है, कुछ बोल रहा है, तो आप बोल सकते हो नेवर, कभी नहीं, कि ये कभी नहीं हो सकता, मैं आपको ये दूंगी। क्लीन इट, इसे साफ करो। कुछ बच्चे ने डर्टी कर दिया है, कुछ टेबल ख़राब कर दी, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि इसे क्लीन करो, क्लीन इट, इसे साफ करो। गो एंड प्ले, जाकर खेलो, गो एंड प्ले, जाकर खेलो। ये पार्क में जा रहे हैं तो जाकर खेलो, गो गो एंड प्ले। कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। बच्चे खेलते हुए फ्रेंड्स के साथ दूर भाग जाते हैं, तो आप उन्हें आवाज़ लगा सकते हो, कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ। नेक्स्ट है स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। जब बच्चे कुछ राइम करते हैं, कुछ सुनाते हैं, तो वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो इस सेंटेंस का, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। से बाय, आंटी को बाय बोलो, अंकल को बाय बोलो, से बाय, बाय बोलो। से गुड नाइट, शुभ रात्रि बोलो, से गुड नाइट, शुभ रात्रि बोलो। बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी, खुश रहो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने कोशिश की है कि आपको पसंद आएंगे, कि ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनका हम यूज़ अपने बच्चों को इंग्लिश लर्न कराने में करा सकते हैं, और हम उनसे इन छोटे छोटे सेंटेंसेस में इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, और बच्चों की हैबिट में जब हम लाते हैं तो बच्चे भी इन सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से समझ जाते हैं, इन्हें बार बार जब हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।